गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी कि वॉइस रिकॉग्नाइजर क्या होती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वॉइस रिकॉग्नाइजर, तो वॉइस रिकॉग्नाइजर का है कंप्यूटर में विकसित टेक्नोलॉजी का सबसे नया एग्जाम्पल है वॉइस रिकॉग्निशंस या वॉइस रिकॉग्नाइजर, ठीक है। तो कंप्यूटर के विकसित या कंप्यूटर के विकसित तकनीक का सबसे नया उदाहरण है वॉइस रिकॉग्निशन के रूप में सामने आया है। कंप्यूटर तकनीक के विकास से हमें कंप्यूटर में डाटा बिना टाइप किए सीधे बोलकर भी इनपुट करा सकते हैं। इस तकनीक के माध्यम से हम डाटा इनपुट में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है तथा यह तकनीक कंप्यूटर यूज़र को इनपुट में हेल्प करती है तथा इस टेक्निक में कुछ समस्याएं भी है। जैसे कि एक समस्या तब सामने आती है जब डाटा बोलकर इनपुट किया जाता है और दूसरी समस्या तब उस समय आती है जब सिस्टम यह परखता है कि कौन बोल रहा है तथा संदेश क्या है। या वॉइस रिकॉग्निशन यानी वॉइस रिकॉग्निशन या वॉइस रिकॉर्डर में अन्य बहुत सी तकनीक होती है जिनके माध्यम से वॉइस सिग्नल को उचित शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। तब मैंने आपको वॉइस रिकॉग्नाइजर के बारे में बता दिया। एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देती हूँ कि वॉइस रिकॉग्नाइजर क्या होता है। तो कंप्यूटर में विकसित तकनीक का सबसे नया उदाहरण वॉइस रिकॉग्निशन के रूप में सामने आया है। कंप्यूटर तकनीक के विकास से हम कंप्यूटर में डाटा बिना टाइप किए सीधे बोलकर भी इनपुट कर सकते हैं। इस तकनीक के माध्यम से डाटा इनपुट में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है तथा यह तकनीक कंप्यूटर यूज़र को इनपुट में सहायता करती है यानी कि हेल्प करती है। इस तकनीक में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कि एक समस्या तब सामने आती है कि जब डाटा बोलकर इनपुट किया जाता है तो उस समय सिस्टम यह परखता है या जांचता है, चेक करता है कि कौन बोल रहा है, संदेश कौन भेज रहा है, संदेश क्या है, ये काम करता है। वॉइस रिकॉग्निशन में कुछ अन्य भी बहुत सी तकनीक होती है जिनके माध्यम से वॉइस सिग्नल को उचित शब्दों में यानी कि करेक्ट वर्ड्स में चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको वॉइस रिकॉग्नाइजर के बारे में आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगी, लाइट पेन के बारे में मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें।